उदयपुर में शुक्रवार शाम को हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर घायल हो गया। स्वरूप सागर मार्ग पर स्वरूप विलास होटल के बाहर मटेरिया ने अहमद हुसैन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसमें अहमद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अहमद हुसैन का साथी तकरीर अहमद गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर लिखे जाने तक तकरीर का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार अहमद हुसैन और अयूब मटरिया के बीच पिछले 6 महीने से विवाद चल रहा था। आपसी रंजिश में ही 3 महीनों में 2 बार पहले भी अहमद पर प्राण घातक हमले हो चुके हैं, जिसके मामले में अम्बामाता थाने में दर्ज है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस के ढुलमुल रवैये से आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए, जिसका परिणाम आज अहमद को अपनी जान गंवा कर चुकाना पड़ा। उदयपुर जैसे शांत शहर में खुलेआम चाकूबाजी जैसी घटना ने क्षेत्रवासियों में भी भय का माहौल पैदा कर दिया है।